नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं ललिता सिंह। हेडलाइंस के बाद नजर डालते हैं उन खबरों पर जिन पर दिन भर रहेगी हमारी नजर। तो पहली खबर राष्ट्रपति के झारखंड दौरे से जुड़ी है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज रांची में दो कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। दूसरी खबर दरभंगा इंजीनियर्स हत्याकांड से जुड़ी है। इस मामले में गिरफ्तार मुन्नी देवी और संजय लाल देव को आज मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। तीसरी खबर दानापुर से है। दानापुर में एक स्वर्ण व्यापारी से 10 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई है और नहीं देने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। चौथी खबर पटना से है, जहां स्कूलों में दाखिला होना शुरू हो गया है और अभिभावक मिशन एडमिशन में जुट गए हैं। इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है भागलपुर से। आपको बताएं कि पुलिस को ग्रामीणों ने बंधक बनाया है। खबर मिल रही है भागलपुर से, पुलिस को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया है। भतोड़िया इलाके में लोगों ने बंधक बनाया है पुलिस को। वाहन चोरी मामले में पुलिस पर संगीन आरोप लगाया गया है। तो आपको बताएं कि जानकारी मिल पा रही है कि वाहन चोरी मामले में पुलिस पर ही आरोप लगाया गया है। लोगों ने पुलिस पर संगीन आरोप लगाए हैं। पूरी खबर भागलपुर से मिल रही है, जहां पुलिस को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे जी मीडिया संवाददाता अजय। अजय जानना चाहेंगे, यहां ठीक उलट है, यहां पर पुलिस को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया है और आरोप लगा रहे हैं वाहन चोरी का। जी हाँ बिल्कुल, ये मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र की घटना है, जहां पर देर रात में वाहन चोरी हुई थी, जिसको लेकर ग्रामीण यहाँ काफी गुस्से में थे। वहीं विश्वविद्यालय थाना पुलिस इस घटनास्थल पर पहुंची, क्योंकि आपको बता दें कि विश्वविद्यालय थाना पुलिस का क्षेत्र नहीं है। बावजूद ये यहाँ पहुंची, लोगों का कहना है कि विश्वविद्यालय थाना पुलिस ही के मिली भगत से गाड़ी की चोरी करवाई गई है। वहीं जो चोर है वो विश्वविद्यालय थाना पुलिस के ड्राइवर का रिश्तेदार भी है। साथ ही ये आरोप लगाते हुए करीब आधा दर्जन पुलिस समेत गाड़ी को बंधक बना के रखा हुआ है लोगों ने। लोगों का मांग है कि जब तक इन लोगों को सस्पेंड नहीं किया जाए और जब तक मेरे वाहन को वापस नहीं दिलाया जाएगा, तब तक इन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। जी जी, जानकारी के लिए शुक्रिया करना चाहेंगे आपका। तो भागलपुर से अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया है। भतोड़िया इलाके में लोगों ने पुलिस को बंधक बनाया है और पुलिस पर वाहन चोरी का संगीन आरोप लगा है। रुख करते हैं दूसरी खबर की ओर। धनबाद में एक आभूषण की दुकान में ग्राहक बनकर आए दो अपराधियों ने दुकान मालिक की आंखों में मिर्ची झोंक कर लाखों के गहने लूट लिए। घटना निरसा थाने की है, जहां कृष्णा ज्वेलर्स में ग्राहक बनकर आए दो लोगों ने गहने खरीदे और बिल बनाने को कहा और फिर दुकान मालिक की आंखों में मिर्ची डालकर लाखों के गहने उड़ा ले गए। दुकान मालिक के शोर मचाने पर जब तक लोग जुटते तब तक अपराधी फरार हो चुके थे। वारदात की पूरी तस्वीर दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक करीब 60,000 के गहनों की लूट हुई है। हालांकि दुकान मालिक का कहना है कि लाखों की लूट हुई है। आपको ठीक है, हमको दो वो कान का चाहिए, एक चैन चाहिए आपको, ठीक है, सो सारे में देना है। सो उसके बाद फिर तो हम उनको दिखाएं, ठीक है। तो हालांकि बार वो कंफ्यूज कर रहे हैं, कभी चैन ले कभी अंगूठी ले, ये ले वो ले, ठीक है। हालांकि हमको शक हुआ आपको, ठीक है, फिर देखिए कि आपको मतलब ये लेट नाइट भी हो रहा था, ठीक, दुकान बंद करने का टाइम भी हो रहा था। इतने में फिर उसके बाद बोले कि ठीक है सो, आप पैकेट से आपसे कार्ड निकला सो, आप इसका मतलब दो कान का आपको एक अंगूठी का बिल परचेज कर दे। बोले कि जिस अंगूठी दिखाइए, ठीक है, तो स्टॉक का मतलब अंगूठी का बाहर करो, ठीक है। तो ये ट्रेप बड़ा बाहर कर दिया, ठीक है, इसमें से हम एक अंगूठी उसको निकाल दे। तो इतने में क्या किया कि एक परसेंट मतलब इतना हाथ में उसका रेड मतलब गुंडी था आपको चिल्ली आपको, ठीक है, पर आंखें मार दी और ट्रेप उठा करके भाग गया। इधर दरभंगा इंजीनियर्स हत्याकांड मामले में गिरफ्तार मुन्नी देवी और संजय लाल देव को आज मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। बहेड़ी प्रखंड प्रमुख मुन्नी देवी और उसके पति संजय लाल देव को कल दरभंगा स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के मुताबिक दोनों ने हत्याकांड में शामिल होने की बात कबूल कर ली है। आपको बता दें कि 26 दिसंबर को रंगदारी नहीं देने पर शिवरामपुर गांव में दो इंजीनियरों की हत्या कर दी गई थी। दानापुर में स्वर्ण व्यवसायी से 10 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई है। घर और दुकान पर पर्चा फेंक कर रंगदारी की मांग की गई है, साथ ही रंगदारी नहीं देने पर पूरे परिवार को मारने की धमकी भी दी गई है। इस घटना से व्यवसायी का परिवार दहशत में है।
खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात मुंगेर की करेंगे। मुंगेर के शिवकुंड पंचायत के निषाद टोला में दो गुटों में हिंसक झड़प हुई। बिजली के खंभे को लेकर ये विवाद हुआ जिसमें दोनों ओर से जमकर फायरिंग हुई। गोलीबारी में एक शख्स जख्मी हो गया। इस मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार भी किया है। बताया ये जा रहा है कि जय महतो और बिंदेश्वरी महतो के बीच विवाद हुआ और गोलीबारी में जय महतो के बेटे के पैर में गोली लग गई। घटनास्थल से पुलिस ने 2 पिस्टल, 17 जिंदा कारतूस और 4 खोखा बरामद किया है। इस मामले में 7 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने नागो महतो को गिरफ्तार भी किया है। इधर पत्या सिटी के गोप घाट पर करीब 15 बदमाशों ने कंपनी के मैनेजर के साथ मारपीट की और उससे करीब 1.5 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वंशीधर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मैनेजर गोप घाट पर चालान कटाने पहुंचे थे। वहीं पर उनका विवाद बालू माफिया बच्चा राय से हो गया, जिसके बाद बच्चा राय ने उनके साथ मारपीट की और कलेक्शन के करीब 1.5 लाख रुपए लूट लिए। जो माइनिंग चालान काटते हैं तो जो कुछ लोग जो है माइनिंग चालान नहीं देते हैं, तो माइनिंग चालान लेने के लिए बात किए थे तो जबरदस्ती बोला कि माइनिंग चालान नहीं लेंगे और गाड़ी ले जाएंगे। इसी क्रम में मारपीट किए हैं और इनका आरोप है कि जो वहां पर ही जो माइनिंग से कलेक्शन किया हुआ पैसा लेकर के चला गया है। FIR दर्ज कर दी गई है। कितना रुपया का बताया? ये लोग 1.5 लाख रुपया कहते हैं कि जो वसूल की गई वो लेके चले गए। अच्छा, कांड दर्ज कर दी गई है और कार्रवाई की जा रही है। वो घाट पर बैठा था, परिवहन चालान कटवा रहा था, उसी बीच बच्चा राय के 10 ट्रैक्टर आया और कहा कि हम चालान नहीं कटाएंगे। उनको उस गाड़ी को हमने रोका, उसके बीच बच्चा राय ने 15-20 आदमी से आया और मेरे साथ मारपीट करने लगे। मारपीट करते समय हमारे बैग में 1.5 लाख रुपया था, उसने लूट लिया पैसा को और कहा कि यहाँ मेरा रंगदारी चलता है, यहाँ पे मेरा यहाँ रंगदारी चलता है। साफ-साफ कहना है कि दबंग है, दबंग है, दबंग है। जहानाबाद पुलिस ने 2 शूटर को गिरफ्तार किया है। पटना गया सड़क मार्ग के कोट एरिया में वाहन चेकिंग के दौरान ये गिरफ्तारी हुई है। दोनों के पास से 2 पिस्टल, 13 कारतूस बरामद किए गए हैं। दोनों झारखंड के जमशेदपुर के रहने वाले हैं। बताया ये जा रहा है कि ये AK-47 और कार्बाइन खरीदने पटना जा रहे थे। एक गैंग है, उससे इनका एसोसिएशन हुआ था, मनोज सिंह का गैंग, इन्होंने बताया उससे एसोसिएशन हुआ था। इनकी निशानदेही पे वहाँ भी छापेमारी चल रही। इसके पास से एक गाड़ी बरामद हुई है, एक I-20 गाड़ी है, एक सर्विस रिवॉल्वर है। और अगली खबर जहानाबाद से है। जहानाबाद जेल को उड़ाने की धमकी दी गई है। ये धमकी जेल अधीक्षक को डाक के जरिए भेजी गई खत से मिली है। धमकी के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आपको बताएं कि जेल ब्रेक कांड की घटना जहानाबाद जेल में ही हुई थी। अनुसंधान चल रहा है, प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और वैसा लगता है किसी की शरारतपूर्ण कार्रवाई है, लेकिन फिर भी हम लोग एहतियात के तौर पर SDO साहब के साथ और ASP अभियान और हम सभी लोग गए जेल के आंतरिक सुरक्षा के चेक किए, फिर बाहर में बार बार से भी हम लोगों ने एंटी-सबोटाज चेक कराया है और हम लोग पूरी तरह से स्वस्थ हैं, जेल सुरक्षित है। बिहार में अपराध की बढ़ती घटनाओं पर DGP PK ठाकुर ने एक बार फिर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि अपराध की वारदातों को लेकर जांच जारी है और जल्द ही इस पर कार्रवाई होगी। तथ्य देख रहे हैं, कर्तव्य के दौरान उनकी मृत्यु नहीं, क्या घटना है, वास्तविक बात इसका अनुसंधान ही सही तरह से किया जा सकता है, एक स्पेशल टीम कर रही है। अब जरा सुनिए, अलग अलग दल बढ़ रहे अपराधों पर किस तरीके से बिहार सरकार पर निशाना साध रहे हैं और JDU नेता किस तरीके से सियासी वार का सामना कर रहे हैं। अभी 50 दिन हुए हैं बिहार की सरकार को बने हुए और इस 50 दिनों के अंदर ही बिहार के लोगों के मन में भय व्याप्त कर गया है। किसी को विश्वास और भरोसा नहीं रह गया है कि अब बिहार में कानून का राज है, कानून से कोई डरता है, अपराधियों के मन में कोई कानून का भय है, खाकी का कोई भय है, पुलिस का कोई भय है, ये समाप्त हो गया है और आज अपराधी निर्भीक हो गए हैं बिहार के अंदर में। और नीतीश कुमार जी जो इस बात का दावा करते हैं कि बिहार में कानून का राज है, उसकी धजियां रोज उड़ रही है। बच्ची के साथ में बलात्कार हो रहे हैं, व्यापारी मारे जा रहे हैं, इंजीनियर मारे जा रहे हैं, ये क्या है कानून में व्यवस्था?
और जब वहाँ पुलिस अफसर सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा? प्राण क्या लग रहा है सर? कुछ नहीं, ये तो जंगल, हम लोगों ने कहा था कि जंगल राज आ गया है, बिल्ली को आप बना दीजिएगा दूध का रखवाली करने के लिए तो दूध बचेगा। हम लोग बिहार में जो बिगड़ती स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की, पुलिस अफसर मारे जा रहे हैं और आम लोगों की हत्या का क्या हिसाब कहा जाए, लूट अपहरण बलात्कार बैंक डकैती सब कुछ हो रहा है और यहाँ के DGP कहते हैं कि कानून व्यवस्था में गिरावट ज़्यादा नहीं आई है। कि सुविधा के अनुसार तर्क नहीं बदलिए, पहले राजकिशोर केसरी जी की हत्या होती थी तो कानून के राज के बारे पर कोई सवालिया निशान नहीं उठाते थे, तो सत्ता में रहेंगे तो इनको कानून का राज नजर आएगा, सत्ता से जब हटेंगे तो इनको अपराध का राज लगता है। इसलिए करते हैं झारखंड का। झारखंड विधानसभा की लोक लेखा समिति के विधायकों ने गढ़वा सर्किट हाउस की व्यवस्था से नाराज होकर जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। असल में JMM विधायक स्टीफन बरांडी के नेतृत्व में विधानसभा की लोक लेखा समिति की बैठक में शामिल होने के लिए 4 विधायक गढ़वा आए थे। समिति में कांग्रेस के इरफान अंसारी, JMM के कुणाल षडंगी, देवघर के BJP विधायक नारायण दास शामिल थे। बैठक के बाद चारों विधायकों ने सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम को लेकर व्यवस्था करने के निर्देश दिए, लेकिन जिला प्रशासन ने जो व्यवस्था की थी वो विधायकों को रास नहीं आए। विधायकों ने जिला प्रशासन पर विधानसभा समिति को अपमानित करने का आरोप लगाया। विधायकों का कहना था कि उन लोगों के सामने ही शौचालय के पानी से खाना बनाया जा रहा था, किसी भी स्टाफ के सोने की व्यवस्था नहीं थी। हालत ये थी कि रूम में ठंड से बचने के लिए कंबल तक उपलब्ध नहीं था। बार बार सूचना के बाद भी कोई भी अधिकारी यहां नहीं आया। देखिए, सीधी सी बात है, हम लोगों ने पहले भी कहा है कि हम लोग जिला प्रशासन के खिलाफ अवमानना का प्रस्ताव लाएंगे विधानसभा में, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जैसी महत्वपूर्ण कमेटी के साथ जिस तरह का व्यवहार यहाँ पर किया गया है, और हमारे जो सपोर्ट स्टाफ हैं, चाहे वो ड्राइवर हो, सिक्योरिटी हो, चाहे वो विधानसभा के हमारे पदाधिकारी हो, उनके लिए सोने की जगह नहीं है, पीने का पानी नहीं है, खाना नहीं है, तो इस तरह की कुव्यवस्था में अगर हम उन्हें रहने दें तो हमें उस कमेटी का नेतृत्व करने का कोई मौलिक अधिकार हमारे पास नहीं है। इसलिए हम लोग तुरंत इस कमेटी को, यही इस जिले को बॉयकॉट करके हम लोग वापस जा रहे हैं। मैंने पहले भी बोला, रवि भी बोल रहे हैं कि यहाँ बहुत दिक्कत है, यहाँ कोई जिला प्रशासन के और से कोई भी लाभ नहीं दिया गया है। बहुत कष्टकारक और नारकीय जीवन हम लोग आज रात यहाँ जीने वाले हैं, लेकिन हमारी कमेटी ने निर्णय लिया है, जब रहने के लिए यहाँ साधन नहीं है, कमरा नहीं है, कंबल नहीं है, पानी नहीं है, मच्छर का इतना प्रकोप है कि हम लोग एक रात अगर यहाँ ठहरेंगे तो हो सकता है कि डायरिया के प्रकोप से हम लोग को ये गुजरना पड़े। ऐसी दुर्दशा मैंने पहली बार देखी है, और हम लोग निश्चित तौर पर ये विधायकों के साथ ये अपमान है। हम लोग इसे छोड़ने नहीं जा रहे हैं, हम लोग अध्यक्ष तुम्हारे जाते जा रहे हैं, हम लोग कमेटी को यहीं से रद्द करेंगे और ना चीज कुछ करने जा रहे हैं। पानी यहाँ नहीं है, यहाँ रहने के लिए हम लोग के लिए कमरे का, विधायकों का जो आरोप है क्या सही है या गलत है? बिल्कुल सत्य है। तब अब क्या करिएगा? अब हम लोग माननीय सभापति के निर्देशन में अगर सर कार्रवाई करें। बिहार में एजुकेशन एडवाइजरी काउंसिल बनेगा ताकि शिक्षा से जुड़ी समस्याओं का निपटारा हो सके। प्रदेश के मानव संसाधन विकास मंत्री अशोक चौधरी ने जी पुरवैया के डिप्टी एडिटर अनुभव खंडूरी से बातचीत में ये बातें कही है। बिहार में चौधरी साहब, नालंदा यूनिवर्सिटी या हम हिस्टोरिकल कंटेक्स में देखें तो हर वो बड़ी सीट ऑफ एजुकेशन थी जो देश को एक इंटरनेशनल मैप में कहीं ना कहीं प्लेस करती थी, क्या हम बिहार को वापस वहाँ जाता देखेंगे? देखिए, इफ यू आस्क मी टुडे, ये बात सत्य है कि हम लोग चाहते हैं कि हम उस तरह का माहौल बना सकें, लेकिन है क्या कि सिर्फ सरकार इसको नहीं कर सकती है, इसमें पूरी सोसाइटी को इन्वॉल्व होना पड़ेगा और उस तरह का इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। इसमें स्टूडेंट्स, टीचर्स, गवर्नमेंट हो, जितने भी लोग एजुकेशन के स्टेक होल्डर्स हैं, सबको ये माहौल बनाना पड़ेगा प्रदेश में, क्योंकि सरकार अगर हम कुछ कड़े कदम उठाते हैं तो हमारा जो शिक्षक संघ है वो विरोध करता है, फिर विद्यार्थी संघ का बहुत सा है वो कुछ करता है, तो एक फोकस होना चाहिए। इसलिए हमने प्लान किया है कि एक हम एजुकेशन एडवाइजरी काउंसिल स्टेट में बनाएं। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर ज्यादातर लोगों की सोच नकारात्मक है, लेकिन आज जो हम तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं वो उस सोच से बिल्कुल अलग है। देखिए रिपोर्ट।
बिहार में मैट्रिक की परीक्षा की इस तस्वीर को देश ही नहीं विदेशों में भी लोगों ने देखा। बिहार के एजुकेशन सिस्टम और छात्रों की योग्यता पर सवाल खड़े किए गए, लेकिन आज हम आपको बिहार के एजुकेशन की दूसरी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। पटना के मछुआ टोली में यूपीएससी की तैयारी कराने वाले छात्रों की ये तस्वीर है। बिहारी छात्रों के इंटेलिजेंस पर लोग सवाल खड़े करते हैं, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि ये वही बिहार है जहां हर साल सैकड़ों छात्र यूपीएससी और दूसरी परीक्षाओं में क्वालिफाई करते हैं। जैसे सी सेट हटा तो बिहार में निश्चित रूप से इसका परसेंटेज तेजी से बढ़ा है। कम से कम हम 15 साल से लेकर अभी देख रहे हैं तो कोई भी साल ऐसा नहीं हुआ है कि एलाइड ग्रुप से लेकर प्रॉपर आईएएस आईपीएस तक में 100 से ऊपर कम लड़के नहीं रहे। खचाखच भरे इस कमरे में देश की सर्वोच्च प्रशासनिक सेवा का सपना देखने वाले ये छात्र और छात्राएं किसी चिटपुर्जे के मोहताज नहीं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर एक तस्वीर बिहारी कैसे झुठला सकती है, लेकिन इसके लिए सोच और इच्छा शक्ति को बदलने की भी जरूरत है। जब तक बिहार के प्रति संवेदना बिहार के लोगों को नहीं जागेगी कि हम बिहार एज ए प्राइड कि ये विद्यालय जो परीक्षा हो रही है मैट्रिक का, इससे पूरे बिहार में बिहार का चेहरा खराब होता है और इसे हमें रोकना है, तब तक ये बदलाव नहीं हो पाएगा। सरकार प्रयास करेगी। अभी हम लोगों ने कल ही करीब 5-6 लोगों को निलंबित किया है जो पिछले में जहाँ जहाँ चोरियाँ हुई और जहाँ सेंट्रल सुपरिटेंडेंट, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। यूपीएससी की परीक्षा में बिहार के 90 से 100 छात्र सफल होते हैं। 2015 में 87 छात्रों ने यूपीएससी की परीक्षा में बाजी मारी थी। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर बिहार की मेधा को एक तस्वीर कैसे झुठला सकती है। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के खिलाफ महागठबंधन को बड़ी जीत हासिल हुई। नीतीश कुमार की अगुवाई में महागठबंधन ने बिहार को आगे बढ़ाने का वायदा किया है, लेकिन महागठबंधन के नेताओं के हालिया बयानों ने विपक्ष को महागठबंधन की एकजुटता पर सवाल उठाने का मौका दे दिया है। सरकार नहीं रहेगी, सरकार खत्म हो जाएगी। तुम्हारे यहाँ आग लगा हुआ है बीजेपी वालों। हमारी सरकार हम लोग का महागठबंधन का सरकार है और 20-25 साल चलेगा ये सरकार। बिहार के सियासी हलकों में महागठबंधन में गांठ की खबरों के खंडन के लिए आखिरकार आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव को सामने आना पड़ा, लेकिन जेडीयू और आरजेडी नेताओं के परस्पर विरोधी बयानों ने बीजेपी को फिर से बोलने का मौका दे दिया। जिस प्रकार के आज बयान हो रहे हैं, चाहे वो रघुवंश प्रसाद का बयान हो, चाहे वो संजय सिंह का बयान हो, चाहे नीतीश कुमार जी की टिप्पणी हो, चाहे लालू यादव जी की टिप्पणी हो, कहीं ना कहीं समानता दिखती ही नहीं है और इसलिए यह सूचक है कि यह गठबंधन बहुत दीर्घकालिक नहीं है। हालांकि लालू यादव के सुर में सुर मिलाते हुए जेडीयू नेता नीरज कुमार ने भी महागठबंधन की उम्र लंबी बताई है। देश की राष्ट्रीय राजनीति में जो चुनौती आई है गैर भाजपा मोर्चा, यह एक परिस्थिति जन्य आवश्यकता है, तो स्वाभाविक रूप से यह दीर्घायु होगा। बिहार में महागठबंधन को मिली बड़ी कामयाबी के बाद भले ही दोस्ती का दम भरा जा रहा हो, लेकिन दोस्ती की कसौटी पर खरा उतरने की चुनौतियां अभी बाकी हैं। सियासत, संबंध और संशय, इसके रिश्ते बड़े गहरे होते हैं, लेकिन इसके मियाद पर हमेशा सवाल खड़े किए जाते हैं। बिहार में महागठबंधन भी कुछ इसी दौर से गुजर रहा है। हालांकि बिहार में सत्ता तो प्राप्त हो गई, लेकिन दूसरे राज्यों में होने वाले चुनाव यह जरूर तय कर देंगे कि महागठबंधन की उम्र ज्यादा है या कम। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ अमित झा, जी मीडिया, पटना। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के झारखंड दौरे का आज दूसरा दिन है। राष्ट्रपति आज बंग साहित्य के वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, उसके बाद वो बीआईटी मिश्रा के डायमंड जुबली दीक्षांत समारोह में हिस्सा भी लेंगे। इससे पहले शनिवार को राष्ट्रपति हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। समारोह में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, सीएम रघुवर दास, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा भी मौजूद रहे। समारोह की दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति ने दीप जलाकर समारोह की शुरुआत की। दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं आप कि मेधावी छात्र छात्राओं को राष्ट्रपति ने अपने हाथों से सम्मानित किया। इस 7वें दीक्षांत समारोह में 71 गोल्ड मेडल समेत 5,235 उपाधियां छात्र छात्राओं को दी गई। वहीं पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा को डीलिट की मानद उपाधि दी गई। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर और
of External Affairs and Finance, Professor Gurdeep Singh, Vice Chancellor, distinguished members of the faculty, senior officers of the university, graduating students, distinguished guests, ladies and gentlemen. It's a privilege for me to be associated with the seventh convocation of Acharya Vinoba Bhave University at Hazaribagh. इधर दुमका में सोहराय की धूम मची हुई है। आदिवासी समुदाय में मनाया जाने वाला आपसी भाईचारा और सौहार्द का प्रतीक सोहराय पर्व को लेकर जगह जगह पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। सोहराय को भाई बहन के प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है और संताल संस्कृति में रची बसी इस पवित्र पर्व को वंदना भी कहा जाता है। दुमका के SP कॉलेज कैंपस में आदिवासी सांस्कृतिक परिषद द्वारा आयोजित दिशोम सोहराय पर्व के मौके पर JMM के सांसद और विधायकों ने शिरकत की। परंपरा जो पुराने समय से चली आ रही है, जो हम लोग का खेती समाप्त होता है और उसके बाद जो है लोग हर्षोल्लास में खुशी में एक पर्व मनाते हैं, पूजा करते हैं। जो अन्न उत्पादन हुआ उसी के लिए सोहराय मनाते हैं, उनके बदौलत, बैल के बदौलत हुआ, इस सब के बदौलत उसका पूजा किया जाता है, इसीलिए यहाँ सोहराय मनाया जाता है। और सोहराय हम लोग का बहुत बड़ा पर्व है।